वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ। एम्पिटेड सीटेट टीचिंग एग्ज़ाम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम सीडीपी में पॉइंट्स देख चुके हैं, एक चैप्टर पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट वाला। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे आधारित होती हैं और ये प्रिंसिपल्स हर एक पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो बहुत वाइड है, कॉम्प्लेक्स है और कंटिन्यूस है। अब कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और चेंज, तो ये जो है वो फॉलो करता है कंटिन्यूस को वूम से लेके टॉम तक, और कहीं भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती जाती है। जैसे हम बोलें साइज में, तो बचपन से लेके हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर और ग्रो होती है, टीनेज में आते हैं, यंगस्टर्स में आते हैं, ओल्ड एज तक, तो ये जो साइज में चेंजेस है वो चेंज होते जाता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। वहीं देखें कि हमारी मेंटल स्किल्स, मोटर स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, तो ये सब भी वक्त के साथ समय समय से बदलती जाती है, हमें और मैच्योरिटी आती जाती है। मेंटली हमारा आईक्यू लेवल, ये सब जो है, ये सारी जो प्रोसेस है ये कैसे चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। वहीं अगर हम सेकंड प्रिंसिपल देखें तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब जो ये प्रिंसिपल है ये कहता है कि कोई भी चीज़, मतलब डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि जब हम बचपन में जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे पहले तो साउंड सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, फिर कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट सेंटेंस, टूटे फूटे सेंटेंस, फिर कंप्लीट सेंटेंस, और उनकी लैंग्वेज में धीरे धीरे सुधार होता है। तो पहले उन्होंने जनरल चीज़ सीखी, फिर वो स्पेसिफाइड की तरफ गए। वैसे भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें जो जनरलाइज एक्टिविटी होती है वो सीखते हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो पहले बच्चा हर टाइप के गेम खेलता है, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ वो किसी एक गेम, कोई एक गेम जो है वो उसका फेवरेट बन जाता है और उसमें ही वो स्पेसिफाई करना शुरू कर देता है। तो यही हमारा प्रिंसिपल कहता है कि पहले बच्चा जनरल चीज़ें सीखता है एंड देन गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड जो उसके एम्बिशंस होते हैं उसके तरफ बढ़ता है और वो स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। वहीं हमारा थर्ड प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो हैं उसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग होता है, उसका डेवलपमेंट का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, जो उसके जीन्स हैं पेरेंट्स से मिले हैं वो भी अलग होते हैं। अगर आप एक फैमिली में ही देख लो तो जो दो अगर कजिन्स हैं तो उनमें बहुत अंतर होगा, ब्रदर सिस्टर में भी बहुत, सिबलिंग में भी बहुत अंतर होता है। तो जीन्स, इन्वायरमेंट कंडीशन, डेवलपमेंटल पैटर्न्स, ये सभी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती है किसी भी एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, और इसी की वजह से हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चा अपने में स्पेशल होता है और सब में डिफरेंस भी पाया जाता है। वहीं हम फोर्थ वन देखें तो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस। तो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है हेड से और फिर दूसरे जो बॉडी पार्ट से उसमें होता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है डेवलपमेंट, या एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है।
तो सबसे पहले बच्चे में उसका जो हेड पोर्शन है वो उसमें बैलेंसिंग दिखता है, फिर उसकी गर्दन में, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जो उसके बॉडी पार्ट्स है उसमें वो बैलेंस क्रिएट करना सीखता है। तो इसे हम यूनिफॉर्मली कह सकते हैं। अब होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन बेस्ड होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में ही दो पार्ट हैं, फिफ्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, और इसी प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं, मतलब दो टाइप से, दो डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। सेल पहला होता है सिफेलोकॉर्डर सीक्वेंस, पहला है आपका सिफेलोकॉर्डर सीक्वेंस। इसमें सबसे पहले हेड से, हेड में डेवलपमेंट होता है और फिर बाकी के पार्ट्स में, और सबसे लास्टली फुट में डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहेंगे। वहीं जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो इसमें पहले बॉडी का सेंटर पार्ट यानी हमारी बैकबोन में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होता है और उसके बाद पेरिफेरल पार्ट्स में डेवलपमेंट होगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बच्चा बढ़ता है, एंड उसके सभी पार्ट्स जो हैं उसमें भी हमें स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज दिखते हैं, और जो मूवमेंट में सारे पार्ट हैं वो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ सभी कम्बाइनली काम करते हैं। पहले जनरल एक, मतलब कोई एक बॉडी पार्ट काम करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेते हैं या इतना डेवलप्ड हो जाते हैं कि उनकी दो तीन पार्ट्स एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे अगर वो सुन रहे हैं तो वो बोल भी सकते हैं, देखते देखते भी बोल सकते हैं। नहीं तो पहले बच्चे क्या सिर्फ सुनने का काम करेंगे या सिर्फ बोलने का या सिर्फ देखने का, अगर कोई वर्क कर रहे तो सिर्फ वही करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कंबाइन मूवमेंट कैसे होता है बॉडी पार्ट्स का वो सीख जाते हैं, इंटीग्रेट करके सारी चीज़ों को करना सीख जाते हैं। तो यही है हमारा प्रिंसिपल सिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब है हमारा सेवन्थ नंबर का, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सो इसमें जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट है, वो सभी डायमेंशंस में होती हैं और हर एक डायमेंशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर बच्चे को एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके हेरिडिटी में वो गुण नहीं है, तो एनवायरमेंट मिलने के बाद भी उसके वो गुण नहीं विकसित होंगे, ठीक है। और अगर उसके जीन में वो गुण हैं लेकिन उसे इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है, जैसे अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन बच्चे को ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा है कि वो स्पोर्ट्स की ओर जा सके, तो वो उसमें वाला गुण क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट और जीन्स दोनों, जो हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सारे जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं, और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। एट्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मीन्स मैच्योरेशन एंड लर्निंग का आपस में क्या तालमेल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन लर्निंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ठीक है, उसको मैच्योरेशन और लर्निंग, ये चारों चीज़ें डेवलपमेंट पे बहुत असर करती हैं। जैसे ग्रोथ तो हो गई हमारा सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो हर एक एस्पेक्ट में होता है। वहीं हम देखें तो जो हमारा मैच्योरेशन है
वो फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल सभी प्रोसेस पे बेस्ड रहती है, हेरिडिटरी बेस्ट होती है। तो और जब हम लर्निंग की बात करते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को डेवलपमेंट की ही प्रोसेस है ये लर्निंग भी, लेकिन कब, जब हम इसमें हम अपने एफर्ट्स और हमारी प्रैक्टिस लगाते हैं, तब उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग भी एक पार्ट है डेवलपमेंट का, इसलिए डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों साथ साथ चलती हैं और मैचुरेशन भी उसी का एक पार्ट है। सो ये थे हमारे अब है नाइन्थ वाला। नाइन्थ प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि हेरिडिटरी और एक तरफ है एनवायरनमेंट। अगर बच्चे के जीन्स या हेरिडिटरी में जो गुण हैं, अगर वैसा उसे एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी पर्सनालिटी में, उसके फाउंडेशन में कमी आएगी। लेकिन अगर उसमें जो जीन्स है वही एनवायरनमेंट में भी मिल जाएंगे सिमिलर, तो पर्सनालिटी उसकी अच्छी डेवलप होगी। वहीं अगर एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं लेकिन हेरिडिटरी में नहीं है, तो थोड़ा ये चीज़ होगी तो सही, पर थोड़ा मुश्किल आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्सनालिटी बच्चे की होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे बेस्ड होती है, और दोनों का मिला जुला निष्कर्ष हो सकता है या उनका प्रोडक्ट हो सकता है। वहीं हमारा जो टेंथ है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, सब तरीके से, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो टाइम से होता है, साइड बाय साइड क्या होता है, साथ ही साथ में, जैसे अगर बच्चे में फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही उसका पर्सनालिटी में चेंजेस होंगे, जैसे उसकी सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, ये सारे चेंजेस भी साथ साथ में होते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है कि एक समय में सिर्फ एक ही डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि सभी एस्पेक्ट में साथ साथ में डेवलपमेंट होंगे। वहीं हमारा 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है ये दो पार्ट में होता है, जैसे कुछ चीज़ें तो कैसी होगी, लीनियरली होगी, मतलब अगर बर्थ से स्टार्ट हुई है तो टिल डेथ चलती रहेगी, तो इसे हम लीनियर डेवलपमेंट कहेंगे। वहीं स्पाइरल में क्या होता है कि कोई चीज़ में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर रुकेगा कुछ टाइम के लिए, फिर से स्टार्ट होगा, फिर रुकेगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर रुकेगा, टिल डेथ तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो जो लीनियरली चल रहा है इसे हम लीनियर डेवलपमेंट कहेंगे और इसे हम स्पाइरल कहेंगे। वहीं हम 12th वाला देखते हैं, हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे की टोटल डेवलपमेंट में भी पड़ता है, उसके न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल एक्सपीरियंस, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। सो ये थे डेवलपमेंट के कुछ 12 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट में या किसी एक प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय।